हम आपके हैं किन्नौर। दामू क्या है? ये लो 2,500 रुपए, जाके वो साड़ी ले आओ। नहीं गुल्लू, अब मैं साड़ी नहीं ले सकती। तुम साड़ी नहीं ले सकती? अभी तो तुमने, मैंने अपना इरादा बदल लिया। तुम इरादा कैसे बदल सकती हो? तुम्हें तो साड़ी चाहिए थी। इरादा नहीं बदल सकती मतलब? मतलब तुम्हें चाहिए थी ना। वो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं ना, तो ऐसे में मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल सकती। ओ दामू, नो प्रेशर, ट्रस्ट मी, सेल के भी आखिरी दिन चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम वो साड़ी लो। आर यू श्योर? 100%। जाओ जाओ, मैं तो कहता हूँ तुम अभी निकल जाओ। अभी निकल जाओ मतलब? मेरा मतलब अभी दुकान पे चले जाओ, बेस्ट होगा। आओ। अरे छोड़ो, मेरा पर्स। हाँ, पर्स, तेरा पर्स, ये अच्छा है, सिल्वर, अच्छा लगेगा साथ में। आओ देखो, फटाफट दुकान चले जाओ। पर इतनी सुबह सुबह? अरे दामू, जल्दी नहीं पहुंचेगी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा ना, है ना? गुल्लू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू गुल्लू, मेरा कितना ख्याल रखना। नो प्रॉब्लम, चलो जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। बाय बाय बाय, हैप्पी शॉपिंग। गुल्लू, कैसे हो पुत्र? सर आप यहाँ कैसे? लगता है हमें देखकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई है। नहीं सर, प्रसन्नता हुई ना, ये देखिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लगता है कुछ अधिक ही प्रसन्न हो गए हो। इतने प्रसन्न हो गए हो कि घर के अंदर ले जाना ही भूल गए। आइए ना सर, प्लीज आइए। धन्यवाद। क्या लेंगे सर, चाय पानी ठंडा? न चाय न ठंडा, तुम बैठो। भाई हम तो केवल तुम्हारे माता पिता से भेंट करने हेतु यहाँ आए हैं। माता पिता? इसमें इतना विस्मय करने वाली कौन सी बात है? बुलाओ ना। अब क्या करेगा गुल्लू, पापा मम्मी को पता चला तो उन्होंने टांगे तोड़ देनी है तेरी। क्या सोच रहे हो गुल्लू बेटा, बुलाओ ना अपने माता पिता को। सर एक्चुअली मेरे माता पिता हरिद्वार गए हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली एक बहुत बड़ी पूजा है, तो वो कहते ना क्या, वो यज्ञ महायज्ञ, वो उसके लिए गए। कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। गुल्लू पुत्र, लगता है तुम्हें कहीं जाने के लिए विलंब हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? विलंब अर्थात देर। हाँ हाँ, देर, लेट, वो तो मुझे हो रहा है सर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो अब हम प्रस्थान करते हैं, शीघ्र मिलेंगे। गुड बॉय। गुड बॉय, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ बस ज, 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 अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो नेम प्लेट है, इसकी हुक निकल गई थी। तो गुल्लू बेटा, घड़े का फूटना और हुक का टूटना शुभ संकेत नहीं है, बोल सांचे दरबार की। जय पंडित जी। जय। बोल सांचे दरबार की। जी जी, जय जय। ये कौन है? कर्नल यू आर सिटी। पंडित जी, ये पाठक जी हैं। और पाठक जी, ये है कर्नल यू आर सिटी और पंडित जी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हमें पंडित जी और कर्नल सेठी को कर्नल साहब क्यों पुकारा? जवाब दो गुल्लू बॉय। पापा जी, डैडी जी, अगर मैंने दे दिया जवाब तो सारा मामला हो जाएगा खराब। गुल्लू बेटा, होश में रहते हो, मदहोश होना और सवाल पूछने पर खामोश रहना अच्छी बात नहीं होती। बोल सांचे दरबार की। well, जय पंडित जी। जय। बोल सांचे दरबार की जय। गुल्लू बेटा, भाई कुछ भी कहो, तुम्हारे पड़ोसी है अत्यंत हसमुख। गुल्लू पुत्र, हमें ओके
अब बस यहाँ से ये लेफ्ट में जाइए और फिर राइट में डोर आएगा, वहाँ पे ही बाथरूम है, और उसके पीछे एक डोर है जो सीधा पीछे के रास्ते से आपको बाहर ले जाएगा, तो आप वहीं से जा भी सकते। हाँ ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम शीघ्र ही लौट रहे हैं ना। हुआ, तो हम डैडी जी से कर्नल सेठ ही हो गए, और हम पी फॉर पापा से पी फॉर पंडित जी हो गए हैं। डैडी जी, पापा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुश्किल? हाँ डैडी जी, एक्चुअली उस दिन जब पाठक साहब हमारे ऑफिस आए, मैंने रूबी के लिए एक लड़का देखा है, यही देहरादून का ही है, बड़ा ही प्यारा सा नाम है लड़के का, गुलशन ग्रोवर। एक बार तुम अगर झूठ मूठ ही हाँ कह दो तो इससे मेरा, तुम्हारा, हम सबका भला हो सकता है। और तुम्हें कौन सा उस पाठक की बेटी से सचमुच की शादी करनी है? आई प्रॉमिस, मैं पाठक जी को खुद जाकर सब सच बता दूंगा। हुआ, कुलबोय, हमें तुमसे ये उम्मीद न थी। देखो बेटा, अच्छा चरित्र होते हुए भी आवारा बनना और शादीशुदा होते हुए भी कुंवारा बनना अच्छी बात नहीं होती, बोल सांचे दरबार की जय। जय पापा जी, लेकिन मेरी क्या गलती है, जो भी किया मेरे बॉस ने किया, और सोचे ना, मैंने जो कुछ भी किया मेरी कंपनी के लिए और बाकी एम्प्लॉयज के लिए किया ना। अच्छा पुत्र गुल्लू, अब हम चलते हैं। ठीक है, अपने माता पिता से दूरभाष में अगर वार्तालाप हो तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। जी जी जी। डैडी जी, मैन राज। अब क्या हुआ दामाद जी? पापाई, गुल्लू दूसरी शादी करने जा रहा है और मैंने नए कपड़े भी नहीं सिलवाए। मैन राज। हाय हाय दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओहो मम्मी जी, ठीक ही तो कह रहा हूँ। भाई मैं लड़के का इकलौता जीजा हूँ, कोई छोटी बात है क्या? हुआ, पप्पू जी, अगर आपने एक शब्द और कहा तो अब हम नाराज हो जाएंगे, और अगर हम नाराज हो गए तो हम नहीं, हमारी बंदूक बोलेगी, और जब हमारी बंदूक बोलेगी तो सब चुप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कारेट, कुल्लू ने झूठ बोला है, लेकिन अपनी कंपनी और अपने साथियों का भला करने के लिए। कुल्लू बॉय परेशानी में है, हमें उसे इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ओहो, रास्ता ढूंढने के लिए तो रास्ते में जाना पड़ेगा ना, और घर बैठे थोड़ी रास्ता मिलता है। पप्पू जी, जस्ट कीप क्वाइट। कुपा जी, आप हमें राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। कर्नल भाई साहब, समस्या है बहुत गंभीर और पाठक है टेढ़ी खीर, इसलिए राय देना है बहुत मुश्किल। वैसे हमारी राय में ओके ओके, हमारे पास एक सुझाव है। ओके, दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जिसमें ऐब हो। मतलब? मतलब साफ है, अगर हम पाठक जी को इस बात का यकीन दिला दें कि गुलशन अवगुणी, आवारा और नालायक है। पंडित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाय, मेरे हीरे जैसे बेटे में अवगुण। तुमने पूरी बात सुनी? सुनी नहीं। इसीलिए कहते हैं बात खत्म होने से पहले मुंह खोलना और बिना सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, पापाई, मेरे पास एक आइडिया है। तो कब बताएंगे? कल? आप मुझे बार बार ऐसे डांटेंगे ना तो मैंने नाराज हो जाना। ओ कम ऑन दामाद जी, नाराज बाद में होइएगा, पहले जो आइडिया है वो तो बताइए।
पहले मेरे पास तो आइए। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक बात आप सब याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए दामिनी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए, वरना हमारे दामों का दिल टूट जाएगा। और पापा ही जल्दी चलो, तैयारियां कर रही है भाई। कर्नल अंकल आशीर्वाद दो, तैयारी भी करनी है, आशीर्वाद दो। आओ आओ या, ओके पापा जी। अच्छा मम्मी जी, चल चल भाई जा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। कहिए। हाँ हाँ ठीक है, भेजो अंदर भेजो जी। कहिए, आप तो गुल्लू के पड़ोसी हैं ना? जी दुर्भाग्यवश। हाय हाय हाय। एक मिनट एक मिनट, कौन 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 है ये? और ये ऐसे ऐसे हाय हाय क्या कर रहे हैं? कौन है ये? इन्हें कहीं पीड़ा हो रही है क्या? ये पीड़ा इनके तन में नहीं, इनके मन में हो रही है, वो भी गुलशन ग्रोवर के कारण। ये बात हमारी समझ के बाहर है कि गुलशन ग्रोवर के कारण इन्हें पीड़ा हो रही है। क्यों? कमाल, मैं नाराज हूँ। कमाल के प्राणी है ये, अभी हाय हाय कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम नाराज हैं। वो हिंदी वाला हाय हाय नहीं, वो अंग्रेजी वाला हाय हाय हाय। ओ हाँ हाँ हाँ, अब आप बैठिए। पापा ओ बैठिए। मिस्टर मिस्टर रोशन, सिट डाउन। तो अब बताइए आप नाराज क्यों हैं? आओ, हम नाराज क्यों हैं? अरे उस गुलशन की वजह से हम नाराज है। यू नो, उसने हमको चीज किया है, उसने हमको बर्बाद किया है, हमारा फूलों भरे गुलशन को उजाड़ दिए है, लॉस किया है हमारा। आपको लॉस किया? कैसे? ऐसे देखिए मिस्टर पाठक, हमारा नाम रिचमोंड बुश है। मिस्टर गुल्लू ने हमको और हमारे 2-3 फ्रेंड्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे बहुत हाई रेट पे। यू नो, 1000 वाला पॉलिसी उसने हमको 2000 रुपए में बेचा, हमको चीज किया, हमको लॉस किया। और उसने हमको रिचमोंड से पुअर मोंड बना दिया है। मैं नाराज है। आप नाराज हैं? ठीक, आप नाराज रहे, आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप गुलशन ग्रोवर के साथ अपनी बेटी का विवाह जो करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ विवाह। एक मिनट एक मिनट, आपको कैसे पता चला? अरे हम पंडित हैं, चेहरा देखकर दिल की बात जान लेते हैं। सच जी? तो कुछ और भी बताइए। आपके चेहरे की रेखाएं बता रही हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स इंश्योरेंस के विषय में भी सोच रहे हैं, है ना? वाह वाह, धन्य हो गए हम तो आपके दर्शन करके। क्या बात है पंडित जी, आप तो कमाल हैं। अरे आप तो कमाल के ज्योतिषी हैं। नहीं है ये ज्योतिष का कमाल, ये है आपके गोल मटोल चेहरे की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का धमाल। बोल सांचे दरबार की जय। पापा जय मिस्टर रोशन। बोल सांचे दरबार की जी। जी जय 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 जय। देखिए पाठक जी, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम आपकी मस्तक की रेखाएं देखकर बता सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अच्छा जी हाँ, समय तो अच्छा आने ही वाला है ना। क्या है कि हमने ये टॉर्टोइस इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कंपनी में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया। देखिए पाठक जी, आप टॉर्टोइस इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कंपनी में शामिल करना चाहते हैं, ये आपके लिए अति शुभ है ना? लेकिन आप गुलशन ग्रोवर के साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं, ये आपके लिए अशुभ है। वो कैसे? अरे वो कोई लड़का है, एक नंबर का गुस्सैल, झगड़ैल, बिगड़ैल, झूठा, सर्व अवगुण संपन्न, हमेशा सबसे झगड़ा करता रहता है। आप जानते हैं पीछे क्या हुआ? क्या? किसी ने उसके घर के बाहर कार पार्क कर दी। अरे उसने चारों टायरों की हवा निकाल दी।
सबसे झगड़ा करता रहता है। Oh yeah! उसने हमारे साथ फाइट किया, you know? एक बार तो उसने हमारा ये गर्दन पकड़ लिया, ऐसा नेक पकड़ लिया। हमारा तो छोड़ो। तो देखिए पाठक जी, हमारी बात मानिए, गुलशन की कंपनी से जरूर रिश्ता जोड़िए, लेकिन गुलशन ग्रोवर से नहीं। That's right. आगे आपकी मर्जी। चलिए दामाद जी। मिस्टर बुश। बुश। कम ऑन, बाय बाय। फिर मेरी जुल्फे ऐसे गिरी है। ओ यार गुल्लू, ओ यार थोड़ा सा तो मुस्कुरा दे भाई। पापाई ने और मैंने दोनों ने मिलके काम सेट कर दिया है भाई। है पापाई? भाई दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाठक तुमसे तो क्या, गुलशन नाम के किसी भी लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, क्योंकि हलवे में मिर्ची का तड़का और झूठा और मक्कार लड़का किसी को भी नहीं भाता। बोल सच्चे दरबार की। वो सब तो ठीक है पापा जी, लेकिन अगर पाठक जी ने हमारी कंपनी के साथ मर्जर नहीं किया तो? डोंट वरी गुल्लू बॉय, पंडित जी और पप्पू जी तुम्हारी कंपनी की बहुत तारीफ करके आए। डोंट वरी। हेलो जी, जी जी जी, अच्छा जी जी ठीक है जी जी पाठक जी 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 सर, यस सर जी। हाय मेरे लाल, पाठक जी का फोन था। हाँ माँ। क्या बोले? माँ वो गुस्सा हो रहे थे माँ, डांट रहे थे माँ और भड़क रहे थे। अरे उसे तो बोलने दो। हाँ तो मैंने कौन सा उसके मुंह पे हाथ रखा है? बोल बेटा बोल, जल्दी बोल, तुझे तेरी माँ की कसम, बोल तू आज, बोल दे पाठक जी ने क्या कहा, बोल। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, अभी मैं जा रहा हूँ। उपा जी हमें राय दीजिए कि पाठक ने गुल्लू बॉय को ऑफिस में क्यों बुलाया। कर्नल भाई साहब, हमारी राय में ओके ओके। ओ यार सीधी सी बात है, पाठक ने गुल्लू को ऑफिस में इसलिए बुलाया कि उसने अपना फैसला बदल दिया होगा, सिंपल। ओके यार ये तो होना ही था। और भाई पापा जी और पप्पू जी की जोड़ी ने पाठक को ऐसा पाठ पढ़ाया, मेरा मतलब ऐसी एक्टिंग की। गुल्लू, गुल्लू ने हमको चीट किया है, हमको धोखा दिया है, मैं नाराज हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.